आज का हम लोग का टॉपिक जो है ना, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर मशीन में। मैग्नेटिक सर्किट का इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर का सिंबल जो हम लोग बनाते हैं कुछ कुछ ऐसा होता है, एक कॉयल या वाइंडिंग, एक दूसरा कॉयल या वाइंडिंग, इसके बीच में एक दो ऐसी लाइनें बनाई जाती है, इसको जो जो कपलिंग का सिंबल है कि ये दोनों कॉयल कपल्ड हैं। कपल्ड का मतलब क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक तरफ आपका सप्लाई दी जाती है सर्किट को और दूसरे तरफ से आप लोड लगाते हैं और पावर लेते हैं, ठीक। एक तरफ आप इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं, आप देखेंगे। तो ये एक पोर्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल्स, यहाँ पे भी एक पोर्ट है। एक पोर्ट पे हमने इलेक्ट्रिकल पावर दिया है और एक पोर्ट पे इलेक्ट्रिकल पावर वहां से लिया है, ठीक। तो बेस्ड ऑन जो वर्किंग है आपके ट्रांसफार्मर का, उस बेस पे हम लोग ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए डायग्राम भी रहने दे रहा हूं मैं। डेफिनेशन क्या है ट्रांसफार्मर का? क्या हुआ? आई कांट हियर योर वॉइस। मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। आप जिसने भी मैसेज किया है, आप कनेक्ट टू सेलुलर ऑडियो करिए उसको। अभी तक तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से मैसेज करिए मुझे। डेफिनेशन क्या है ट्रांसफार्मर की? ट्रांसफार्मर होता क्या है? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। इसमें कोई रोटेटिंग मूविंग पार्ट नहीं होता है। एक ऐसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन पोर्ट टू अदर पोर्ट। जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। ठीक, अब देखिये यहाँ पे आप ऊपर के डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास जो ये पोर्ट है, एक पोर्ट पे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दिया है यहाँ से, फिर यहाँ से आपने पावर लिया है, लोड इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है। अगर आपको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे पावर ट्रांसफर करना ही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये दूसरा पोर्ट, ये कनेक्ट किया इस वायर से, ये कनेक्ट किया इस वायर से, तो बीच में कॉयल और ये सब कपलिंग अपलिंग लगाने का रीजन क्या है? जब आपको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर इलेक्ट्रिकल पावर ही भेजना है तो आप ऐसे भी भेज सकते हैं वायर्ड कनेक्शन से, ठीक। तो यहीं पर ट्रांसफार्मर का रोल है कि ये पावर तो ट्रांसफर करता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर, बट इन बिटवीन यहाँ पर जो आपके अरेंजमेंट्स हैं इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू, आप पढ़ेंगे आगे चल के N1/N2, वोल्टेज लेवल को आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। यही ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग है और यही ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन भी है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है, प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी एंड पावर मस्ट बी सेम। जितना पावर दिया था उतना ही पावर लेंगे,
जितना फ्रीक्वेंसी इनपुट पे था उतनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे था। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अगर इनपुट आउटपुट साइड की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तो वो ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी एंड पावर मस्ट बी सेम एंड वोल्टेज करंट कैन बी चेंज्ड, या वोल्टेज करंट का जो लेवल है उसको चेंज किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का बेसिक डेफिनेशन समझ में आया? ये एक स्टैटिक डिवाइस है जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करता है। इस पूरे प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, पावर चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है पावर, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली कांस्टेंट रहती है, लेकिन वोल्टेज करंट की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जिसके थ्रू आप ट्रांसफार्मर को समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट वर्क्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम डिटेल में देखेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। Of electromagnetic induction, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे बेस्ड है, उस पर यह काम करता है ट्रांसफॉर्मर आपका। सेकेंड एंड ऑल्सो इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक सर्किट। तो जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी ट्रांसफार्मर की, कि ये फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है और मैग्नेटिक सर्किट से कंट्रोल होता है या उसके थ्रू काम करता है। इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि व्हेन कंपेयर टू अदर मशीन, हमने बहुत सारी मशीनों के नाम लिखे थे, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, उसमें से एक कैटेगरी स्टैटिक मशीन्स में ट्रांसफार्मर भी था और ट्रांसमिशन लाइन्स भी था। तो हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करें तो ये एक स्टैटिक मशीन है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। अब कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो मोशन से होने वाले लॉसेस, फ्रिक्शन वगैरह, विंडेज, ऐसा कोई लॉस भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर ऐसी मशीन है जिनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। ठीक, स्टेटमेंट में इसकी प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हैं कि व्हेन कंपेयर्ड टू अदर मशीन्स, its efficiency is very high. क्यों high होती है? Due to absence of rotational losses. Rotational losses ना होने से इसकी जो efficiency ये काफी high मिलेगी आपको compared to other machines. थर्ड पॉइंट देखिए, इस ट्रांसफार्मर में जो दो वाइंडिंग होती है मेनली, ठीक, जो साइड सोर्स से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स से, तो उसको हम प्राइमरी साइड कहते हैं या प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस साइड पे लोड लगा होता है उसको हम सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से नेमिंग के लिए लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, द वाइंडिंग which is connected to source is called primary winding, and that which is connected to load is called secondary winding. ठीक, अच्छा, नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए, लेकिन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये वाइंडिंग्स आपस में इंटरचेंजेबल होती है। जैसे ट्रांसफार्मर जब आपका बंद करके आएगा
तो वो कुछ कुछ ऐसा होगा, एक वाइंडिंग इधर होगी, एक वाइंडिंग इधर होगी, ठीक। अब इसमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, आप नहीं बोल सकते। अगर आप सोर्स यहां लगा देंगे तो ये वाला साइड प्राइमरी और ये वाला साइड सेकेंडरी हो जाएगा, अगर आप सोर्स यहां लगा देंगे तो ये वाला साइड प्राइमरी इधर वाला सेकेंडरी हो जाएगा। वो आपके यूज करने के ऊपर है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा साइड प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है। जब कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर में ये चीजें पहले से डिफाइंड नहीं होती हैं, जब आप यूज करते हैं तब डिसाइड होता है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक। आगे चले, देखिए उसका वर्किंग प्रिंसिपल जानने से पहले ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं और दे देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है वो आपने देख लिया, ट्रांसफार्मर क्या करता है वो आपने देख लिया, कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होता है वो भी देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, अब देखिए ये जो वर्ड है ना क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन करना मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करना कि कितने तरह का ट्रांसफार्मर होता है, तो ए टाइप ट्रांसफार्मर, बी टाइप ट्रांसफार्मर, ये अपने अपने तरह से। अब कौन सी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करते हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है ट्रांसफार्मर का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत मैं अज्यूम करता हूँ कि आइडिया होगा ट्रांसफार्मर का। अगर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है और प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम है तो उसको आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है तो उसको आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। तो प्राइमरी साइड के वोल्टेज को जनरली हम V1 से दिखाते हैं, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को V2 से दिखाते हैं। तो V1 अगर V2 से ज्यादा है तो ये स्टेप डाउन, नोट करने की जरूरत नहीं है अभी इसको, और V2 ज्यादा है V1 से तो स्टेप अप। तो बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल आप ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। वैसे ही नंबर ऑफ फेज पे भी कर सकते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स में भी कर सकते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, या आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी लेवल के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, पावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। आप चाहें तो इंस्ट्रूमेंट के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, कई तरह से ये क्लासिफाई होता है, ठीक। ट्रांसफार्मर बहुत टाइप के आते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उसके बेस पे आप ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में कि इट कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, ये कई तरह से क्लासिफाई हो सकता है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो सबसे पॉपुलर है, जैसा स्टूडेंट लोग जल्दी समझ जाते हैं, कि बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल के बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो अगर प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम है सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्टेप अप। स्टेप अप, सेकेंडरी साइड पे ज्यादा वोल्टेज, स्टेप अप होके मिला है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे T/F भी दिखाएंगे, आप भी दिखा सकते हैं, एक्सेप्टेड है ये। सेकेंड, अगर V1 का वैल्यू ज्यादा है V2 से, इट इज प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम है, तो ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज स्टेप डाउन, डाउन ट्रांसफार्म। थर्ड, एक और पॉसिबिलिटी है, V1 इज इक्वल टू V2, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइडियल केस कैसे होगा, ट्रांसफार्मर अपना उसका मेन काम ही वोल्टेज लेवल को चेंज करना है, बाद में चल के लिखेंगे इसको। सेकंड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वाइंडिंग्स,
नंबर ऑफ वाइंडिंग से बेस पे ट्रांसफॉर्मर क्लासिफाई करते हैं। सर जी सर पूछिए। ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहाँ इसका यूसेज कहाँ में होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा यूज होते हैं मोस्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे आप एक लो पावर के सर्किट को हाई पावर के सर्किट से आइसोलेट करके रखना होता है। आप इसका एप्लीकेशन समझना चाहते हैं क्या अभी? जिसमें चाहिए था मैं आप, क्योंकि ये वर्ड जनरली आप इंजीनियरिंग में पढ़ के नहीं आए होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सपोज आप अपने घर में काम कर रहे हैं ना, ठीक, आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल कितने वोल्ट से चार्ज होता है? डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी ऑफ लैपटॉप या मोबाइल, कौन सा आप अपना माइक ऑफ करिए पहले तो। देखिए डिपेंडिंग ऑन आपका जो लैपटॉप या मोबाइल है वो चार्जिंग वोल्टेज उसका होता 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में। 15 वोल्ट के चार्जर भी अब आते हैं, बहुत हाई करंट पर वो उतना पावर सही नहीं है, ठीक। आप सप्लाई लेते हैं कहाँ से? आपके घर में जो सप्लाई लाइन आया है 230 वोल्ट का, वहां से आपने सप्लाई ली। यहाँ पे आपका पास मोबाइल है, इस मोबाइल का जो चार्जिंग वोल्टेज है वो 9 वोल्ट डीसी है। अब इस 230 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट आप करेंगे और अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब ये जो मोबाइल का सर्किट है ना, ये बहुत लो पावर पे काम करने वाला सर्किट है, और ये जो सर्किट है आपका जो आपके पावर स्टेशन से जो सप्लाई लाइन आ रही है ये बहुत हाई पावर का सर्किट है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर का एक काम और होता है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया 10:1 का या 20:1 का, यहाँ वाइंडिंग सप्लाई, यहाँ वाइंडिंग सप्लाई, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, करीब यहाँ पे 10 वोल्ट एसी मिलेगा, ठीक। अब उसके बाद आप रेक्टिफायर लगाते हैं, आप चाहे तो ब्रिज रेक्टिफायर या कोई सा भी रेक्टिफायर कनेक्शन यूज करें, रेक्टिफायर लगाते हैं तो ये 10 वोल्ट एसी को थोड़ा सा लॉसेस भी होते हैं, ड्रॉप होता है उसमें आपके डायोड्स में, तो लगभग 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा और 9 वोल्ट डीसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट होता है, लाइटनिंग होती है, तो यहाँ का फॉल्ट इस वाइंडिंग में सर्कुलेट होकर रह जाएगा, इस ट्रांसफार्मर की वजह से इस जो फॉल्ट हुआ है ना उसका इफेक्ट इधर की तरफ बहुत कम आता है, क्योंकि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात को? इस पर्पस के लिए स्पेशली जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उनको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि दो अलग अलग सर्किट को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होने देना है, मैग्नेटिकली पावर तो ट्रांसफर होगी। अभी थोड़ा सा आप ट्रांसफार्मर को और समझेंगे समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा था अभी। समझ गए, ठीक है। नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के बेस पे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में तो उसको आप क्या बोलेंगे? सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ही ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक, ये सबसे ज्यादा नॉर्मली यूज होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एक स्पेशल केस थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, टर्शरी वाइंडिंग भी होती है, वो स्पेशल केस है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती ही नहीं है। थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसको आप स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ वाइंडिंग के बेस पे क्लासिफाई कर दिया, नंबर ऑफ फेस के बेस पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेस, फर्स्ट वन
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सेकेंड वन थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक। फोर्थ, इसको समझाने का जरूरत नहीं ना, सिंगल फेज वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज वाले थ्री फेज ट्रांसफार्मर। फोर्थ वन, बेस्ड ऑन पावर हैंडलिंग, तीन तरह का ट्रांसफार्मर होता है। पहला स्मॉल ट्रांसफार्मर, स्मॉल ट्रांसफार्मर में ज्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइजर आते हैं, जो आपके घर में टीवी पे फ्रिज पे आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं ना, वो सब के सब ट्रांसफार्मर हैं। वो छोटे होते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर की रेंज में आते हैं। या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज होता है, तो ये सारा का सारा ट्रांसफार्मर स्मॉल ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आता है, बहुत छोटा से लेकर के आप गए वोल्टेज के स्टेबलाइजर तक। बड़े ट्रांसफार्मर्स में मेनली दो ट्रांसफार्मर आते हैं जिनको आपको पढ़ना है। सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो आपकी कॉलोनी में जो स्क्वायर पे लगा रहता है, सबके कॉलोनी में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर घर के आसपास में होगा, जहां पे अक्सर फॉल्ट हुआ करती है। सबसे ज्यादा फॉल्ट प्रोन एरिया पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। थर्ड, आपने कभी अगर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन देखा होगा कहीं आते जाते समय, अक्सर शहर के बाहर ही बनते हैं वो, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। जैसे आपके लाइन, सपोज करिए दिल्ली से एक लाइन 800 किलो वोल्ट की आ रही है, और जैसे आपका किसी शहर में उस ट्रांसमिशन लाइन से आपको सप्लाई देनी है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को जब आप रिसीव करते हैं तो इतना हैवी अमाउंट ऑफ पावर होता है कि छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसके सामने बहुत छोटे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का बैंक यूज होता है जो इलेक्ट्रिकल मेन स्टेशन या सब स्टेशन पे लगते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली एक शहर तक का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। क्लियर? ऐसे और भी क्लासिफिकेशन आप बना सकते हैं, एक बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। दो कैटेगरी मेनली है, होता तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे है, लेकिन उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में पढ़ने की जरूरत नहीं। आप उसको स्पेशली कभी कम्युनिकेशन में कहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इसका उस डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है। वन, फर्स्ट वन इज पावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, जो नॉर्मली 50 हर्ट्ज वाले ट्रांसफार्मर सब स्टेशन से लेके आपके घर तक में जो लगे होते हैं। सेकेंड वन इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ऑडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपको पता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, तो किलो हर्ट्ज वाली जो रेंज है ना, 1000 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई की है, तो उसके लिए फिर आपको दूसरे ट्रांसफार्मर्स का यूज करना पड़ेगा। किसी को आइडिया है क्या कि 1 किलो हर्ट्ज 2 किलो हर्ट्ज की सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहाँ पे यूज की जाती है? आपके घर में जो सप्लाई आती है वो तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है ना, टेलीकॉम? नहीं, हम आप इलेक्ट्रिकल में लो पावर सर्किट्स की बात जनरली नहीं यूज करते हैं, हम लोग हाई पावर सर्किट्स का बताइए, फर्नेस में यूज करते हैं हम लोग एडी करंट हीटिंग के लिए, जब ओर्स को पिघलाया जाता है मेटल्स को बहुत बल्क अमाउंट में से, आपका 1000 केजी आपके पास आयरन ओर है उसको मेल्ट डाउन करना है, तो वहां पे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है उसको, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। एरोप्लेन ये सब में नहीं लगते क्या? जी एरोप्लेन ये सब में भी सर 200 किलोहर्ट्ज जैसे कुछ तो बिगर था सर। किसमें किसमें? एरोप्लेन का जो फ्रीक्वेंसी रहता ना सर, एरोप्लेन में आपको वायर से सप्लाई थोड़ी होता है। एरोप्लेन में प्लेन में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है दैट इज डीसी, एसी तो रहते ही नहीं है वहां पे। टेलीकॉम में भी तो सर ये जियो सीओ लुक में मेगाहर्ट्ज लुक में जाता है ना सर फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? ये आप जब बोलते हैं ना, जैसे आपके टेलीफोन ने 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है आपका टेलीफोन, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफ वोल्टेज करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव।
समझ रहे हैं आप, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका सिग्नल कैरी करके लाई है ना, वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ थोड़ा बहुत जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं होती है जो हमारे रिसीवर्स काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन नहीं होता है, वहाँ पे कुछ और इक्विपमेंट्स ऑपरेट करते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट एक क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। मेन सिक्स ही हैं, आप चाहें तो और बना भी सकते हैं, सिक्स या सेवन हो जाएंगे। सिक्स वन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, एक तो आप पहले देख चुके हैं, फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सेकेंड वन इज इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, सेवेंथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन के बेस पे कितने हैं, द फर्स्ट वन इज करंट ट्रांसफार्मर, सेकंड वन इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो टोटल लगभग लगभग इतने तरह का ट्रांसफार्मर होता है, सबके बारे में आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन लिख लिया है? यस सर। आ जाते हैं फैराडेज लॉ पे। इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इतने तरह, ट्रांसफार्मर क्या होता है समझ में आ गया, डेफिनेशन उसका क्या काम करता है वो भी हो गया, कितने टाइप का होता है, इतने टाइप का हो सकता है, ब्रॉड वे में इतने इतने टाइप के क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रेड कलर का ट्रांसफार्मर, ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो उसका कोई एंड नहीं है। जो मेन क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज के बेस पे है वो इतना ही है। अब धीरे धीरे इसका वर्किंग समझेंगे, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के काम करने के दो प्रिंसिपल हैं, दो थ्योरीज को स्टडी किया जाए तो बोला जा सकता है कि इन दोनों थ्योरीज के बेस पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो फर्स्ट थ्योरी जो है दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के दो, आप केवल फैराडेज लॉ नहीं बोल सकते, फैराडे के दो लॉ है, एक फैराडेज लॉ ऑफ क्या बोलते हैं उसका, इलेक्ट्रोलिसिस भी है। तो फैराडे में एक्चुअल में दो लॉ आते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इंडक्शन वाला जो फैराडे का लॉ है उसको ये काम करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग प्रिंसिपल। कैसे काम करता है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट वन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कुछ लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी ट्रांसफार्मर पॉसिबल है जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर है, वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होता ही नहीं है, तो केवल म्यूचुअल इंडक्शन बोलना भी करेक्ट नहीं है। किस स्पेस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट हमने पहले ही देख लिया है, एक फैराडेज लॉ को भी देख लेते हैं वो क्या है, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, फराडे अपने लॉ में क्या कहना चाहते हैं, स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि दो लॉ है इसमें। फर्स्ट लॉ, द फर्स्ट लॉ इज व्हेन
a conductor cuts magnetic lines of force. EMF is induced in it. देखिए ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला उन्होंने लॉ कह दिया कि कंडक्टर जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है तो उस पर EMF इंड्यूस होता है. सपोज करिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जी, लेफ्ट टू राइट. अब मेरे पास एक कंडक्टर है ब्लैक कलर का, ये कंडक्टर मैंने रखा ऐसा, ये होगी आपकी फर्स्ट पोजीशन. अगर इस कंडक्टर को दूसरे पोजीशन में रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं आप. अब देखिए इसमें से कौन सा कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है? सेकंड वाला. फर्स्ट वाला कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल में है, ठीक. तो इसमें कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, आप पूछ कर लीजिए. कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करना चाहिए. जितना ज्यादा आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा तो ज्यादा कट करेगा, आप ऐसा रख देंगे तो कम कट करेगा, ठीक. लेकिन कट करेगा, लेकिन जब तक कट करेगा तब तक उस पर ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा. अगर कट नहीं कर रहा है जैसा ये वाला केस है तो EMF या इंडक्शन नहीं होता है. सेकेंड लॉ, फैराडे का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है? द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू कंडक्टर. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो तरह का होता है, आगे चल के देखेंगे. लेकिन ये जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू कंडक्टर के. तो जैसे हमारे पास फैराडे ने एक चीज और नहीं बताई थी, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये रहा आपका कंडक्टर. किसी इस पे आप इसको मूव करा रहे हैं और इस पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ ई होगा. प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा वो फैराडेज लॉ से नहीं पता चला था, लेकिन जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर. कब? अगर कंडक्टर में सिंगल टर्न है या इज फॉर वन कंडक्टर. अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं तो ई विल बी इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी या प्रोपोर्शनल टू एन डी फाइव बाई डी टी. दिस विल बी फॉर एन टर्न्स इन कंडक्टर, ठीक. अच्छा, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस से ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसका आएगा उसकी वैल्यू 1 आती है, तो आप E इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हैं. आपको ये पता ना, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके इक्वलिटी लगाते हैं तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? कि इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब आप डायमेंशनल एनालिसिस से उसकी वैल्यू निकालते हैं प्रैक्टिकली तो उसकी वैल्यू 1 आती है. दैट इज प्रैक्टिकली डिराइव्ड. इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नोट करके लिख जरूर सकते हैं कि बाय डायमेंशनल एनालिसिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1.
proportionality constant comes out to be 1. So E is equal to N d phi by dt mila. This equation finally represents Faraday's law. ये क्वेश्चन फाइनली फ्राइडेज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम है, फ्राइडे ने ये तो बता दिया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 10 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, आप इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। लेकिन वो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी, प्लस किधर होगा, माइनस किधर होगा, ये फ्राइडे नहीं बता पाए थे, ठीक। तो ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा? नोट में आप एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्राइडेज लॉ does not gives the direction of induced EMF or current. Direction induced EMF or या current का direction Faraday's law नहीं बताता है, तो वो कैसे पता चलेगा? Second point related. It is given by Lenz law. तो वो आपका Lenz law से पता चलता है। अब Lenz law है क्या? इसका माइक ऑन है। Next topic will be आपने सबको नोट कर लिया है क्या? नोट नहीं किया है तो प्लीज माइक ऑन करिए, मुझे बताइए, तो मैं उसको स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ। एक सेकंड सर, वन सेकंड। ओके सर, सेकंड लॉ दिखा दीजिए। हो गया सर जी। जी ठीक, देखिए लेंज लॉ क्या है। लेंज ने अपना लॉ फ्राइडेज लॉ के बाद में दिया था, और उन्होंने बताया था कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज डिफाइंड इन फ्राइडेज लॉ इज प्रोड्यूस्ड या इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। स्टेटमेंट को फिर से मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि the induced EMF or current is always in such a direction that it opposes the change in magnetic flux. तो induced EMF हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करे, द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करे। अब क्योंकि जो induced EMF है वो हमेशा d phi by dt के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए therefore by Lenz correction. Now the induced EMF E is defined as minus N d phi by dt. Clear? तो ये जो माइनस साइन है ये फैराडेज लॉ में नहीं है,
it is after the lens correction minus anti-stability voltage. सर डायरेक्शन कैसा ऑपोजिट हो गया सर? अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये पूरा स्टोरी है, कहते हैं फराडे के 1500 एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे। अगर आप ये मानते हैं कि वो डेली एक एक्सपेरिमेंट करते थे तो भी एक साल में 365 डेज 65 हॉलीडे मान लीजिए तो 5 साल तक वो हर दिन फेल होते थे। एक एक्सीडेंटल केस में ये बोला जाता है कि उनको पता चला कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है। एक मैग्नेट एक्सीडेंटली एक कॉइल से पास हुआ था और कॉइल में लगे इंस्ट्रूमेंट ने करंट को सेंस किया था, ठीक, वहीं से इसका जो EMF d∅dt का वो मिला है और ये साथ में इसका करेक्शन से वो मिला है लेंस लॉ से डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, ये लेंस लॉ का यूज क्या है और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं लेंस लॉ को यूज करके, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। There is a coil. ये सर्कुलर कॉयल है, थ्री डायमेंशन में देखने से आपको ओवल शेप लग रहा है, एक सर्कुलर वायर है ये कॉपर का वायर, कॉपर के कलर का होता है, ठीक। यहां पे मेरे पास है एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छा, कभी मैग्नेट में ऐसा भी दिख सकता है आपको, एक मैग्नेट बना होगा और एक डॉट लगा होगा, नॉर्थ साउथ मेंशन नहीं होगा। तो ये जो डॉट होता है ना, ये सिंबल है, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इफ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नॉर्थ साउथ लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डायग्राम बनाए जा सकते हैं। लिटरेचर या थ्योरी अपने अधिक नहीं पढ़ी होगी तो ये सब सिंबल्स जो है नोट नहीं करता आदमी। अब ये जो मैग्नेट है ये वी वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, इसमें निशाना लगा करके कि ये इस वी वेलोसिटी से जा रहा है और अब इस कॉइल के बीच में से पास करेगा। अच्छा, एक चीज तो हमको पता है कि कॉइल का जो सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट होता है वो ये होता है पोल्स, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ और साउथ पोल में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक। अब ये जब मैग्नेट दूर रहेगा कॉइल से तो इस कंडक्टर को कम मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, जैसे जैसे ये कंडक्टर या सॉरी ये मैग्नेट जो है कंडक्टर के पास जा रहा है, कॉइल के पास जा रहा है, वैसे जैसे इससे पास होने वाला, इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। टाइम के साथ साथ फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब डी फाइव बाई डी टी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और जो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू होगी वही इस कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर, समझ रहे हैं। एक बार तो वीडियो दिखना चाहिए। देखिए, तो जैसे जैसे ये जो कंडक्टर है या मैग्नेट है वो कॉइल के पास पहुंचेगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो जो हमको बताना ये है कि अगर ये मैग्नेट हम इसकी ओर थ्रो करते हैं तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अब क्योंकि कंडक्टर क्लोज्ड है, ये क्लोज लूप है ना, कंडक्टर हमारा क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी फ्लो करेगी, क्लोज पाथ है यहाँ पे, करंट का डायरेक्शन बताना। कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए लेंस लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है,
तो जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी आई, उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोक सके। हमेशा करंट जो भी होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। फ्लक्स में चेंज कैसा है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स का इंक्रीज हो रहा है तो इसकी जो करंट होगी ना वो हमेशा इस फ्लक्स के इंक्रीज का अपोज करेगी, मतलब इस फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगी। अगर किसी चीज को इंक्रीज होने से रोकना है तो उसके अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि इस डायरेक्शन में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो। यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करने का मतलब नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए होती है। तो जब आप इधर से देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी। ये थोड़ा सा एक चीज आप इसको भी याद कर सकते हैं कि ये कॉयल है, कॉयल में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल का फेस बनता है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल का फेस बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर मैग्नेट को वी वेलोसिटी से किसी कॉयल के पास लेके जाया जाए, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, तो इस कॉयल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डिपेंडिंग ऑन लेंस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको यूज करके हमने डायरेक्शन बता दिया कि इस करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कोई डाउट है क्या अभी? कोई भी डाउट सर? कुछ था ना, कुछ क्या रूल कुछ था ना, वो सब था क्या सर? मैं भूल गया। कौन सा रूल? कुछ क्या लेफ्ट राइट हैंड रूल ऐसा कुछ था ना, वो सब लगता था क्या इसमें सर? वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं, वो पूरा डिटेल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे। वो सारा डिटेल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे। जी रूल, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज थोड़ा माइक से दूर से बोलिए। सर ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं, कुछ बताइए। तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, ये ईएमटी में प्रूफ होगा बाद में। जी ठीक है सर, ये नॉर्थ आ रहा है ना, नॉर्थ ही इधर घुस रहे तो उसका तो अपोज करना चाहिए ना, अपोज करेगा तो करने के लिए। अच्छा नॉर्थ पोल अपोज करता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोज करता है? हां 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 ठीक है सर, अपोज करना। ठीक चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो फैराडेज लॉ से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया और समझ भी लिया क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब होता है जब फ्लक्स चेंज हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया आपका या तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मोशन हो, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा मूव करते हुए जाएगा उसके अंदर से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसको आप लोग बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगेन इसको हम लोग पढ़ेंगे ईएमटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, उस सब्जेक्ट में पढ़ा जाएगा डिटेल में। नेटवर्क और ईएमटी है असल एक्चुअल में दोनों पैरेलल सब्जेक्ट्स हैं, आधा पार्ट नेटवर्क में है आधा पार्ट ईएमटी में है बेसिक्स का। तो क्योंकि ये फिर थ्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए आप लोगों ने क्या पे कहने पे मशीन स्टार्ट किया गया है, थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। एक तरीका और है, जैसे मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास दूसरा कंडक्टर रखा हमने, ये करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेगा, ये कट करेगा तो इस पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कितना ये फ्लक्स के चेंज होने पर पता चलेगा। आप इस करंट इस कॉइल की करंट वैरी कराइए, चेंज कराइए तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ मिल जाएगा आपको। देखिए कोई भी मोशन नहीं हुआ है यहाँ पे, विदाउट मोशन जब आप
मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा करके ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज होता है जनरेटर और मोटर में, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज होता है इंडक्टर और ट्रांसफॉर्मर। हमको ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है तो मुझे केवल स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ना होगा। तो आपने जो अभी जो पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा कंडक्टर, मूव करेगा और उसके मोशन से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे या पूरा बोले तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। ये देखने को मिलता है आपको मोटर और जनरेटर में, वहां पे देखेंगे इसको। अगर आप कोई भी पार्ट को मूव नहीं करा रहे हैं तो कहीं एनी हाउ आपको मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराना पड़ेगा, जनरली वो करंट को कंट्रोल करके होता है और इस तरह के इंडक्शन को स्टैटिक इंडक्शन कहते हैं और ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ये देखने को मिलेगा आपको इंडक्टर में और ट्रांसफार्मर में। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे, फिर आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये अगेन फिर दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज सेल्फ इंडक्शन, सेकंड वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। फर्स्ट वन इज सेल्फ इंडक्शन, सेकंड वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। पहले सेल्फ इंडक्शन को समझेंगे फिर म्यूचुअल इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन होता कहां पे है? इंडक्टर्स में या कोई भी कॉइल्स में। फर्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए एक कॉइल लेते हैं एग्जांपल में हम लोग। जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपका वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट करिए। ओके प्लीज एक मिनट। बताइए कहाँ पे रोकना है? थोड़ा सा और ऊपर? ना डाउन डाउन डाउन। मुझे बताइए तो आप स्टॉप बोल दिए, मैं रुक जाऊंगा। यस ये तो हम लोग वापस वहीं आ गए। ओके ओके ठीक है। ठीक है आगे चले क्या? सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए हमने एक कॉइल लिया है। इस कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N। इस कॉइल से करंट पास हो रहा है I। जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट के बेस पे आप लोग जानते हैं किसी कॉइल से करंट पास करता है तो उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है phi। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक सर्किट दिस phi is equal to Ni by S. S क्या है? reluctance of this coil या medium जो है path का उसका reluctance। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं also phi is equal to Ni। S की value क्या होती है? L upon mu A। तो mu A ऊपर चला जाएगा, L की value L नीचे आ जाएगा। ठीक, this is equation number one। अब इस फ्लक्स का आप पाथ देखें तो एक तरफ नॉर्थ पोल मिलेगा, एक तरफ साउथ पोल मिलेगा। फ्लक्स ये बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है और साउथ पोल में फ्लक्स अंदर की तरफ आता है। फ्लक्स हमेशा क्लोज पाथ बनाता है तो यही फ्लक्स ऐसा घूम करके
आएगा, ये फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक, और जब घूम करके आएगा तो ये फ्लक्स जो है ना कॉइल को फिर से कट करेगा, ये जो फ्लक्स इस कॉइल से प्रोड्यूस हुआ है वो इसको खुद को कट करता है इन इट्स रिटर्न पाथ। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा तो उस पर EMF इंड्यूस होगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अब इसको फ्लक्स कट करेगा तो उस पर EMF इंड्यूस होगा प्लस माइनस, ये इंड्यूस्ड EMF कैसा है, अपने खुद के फ्लक्स से प्रोड्यूस हुआ है तो ये कैसा EMF है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है। According to Faraday's law, induced EMF can be written as E is equal to N d phi by dt होता है, वहाँ पे N क्या number of turns, N d phi by dt, this is equation number 2. अब equation 1 से phi की value equation number 2 में put कर दीजिए, from 1 and 2. E will be equal to N d by dt of N I mu A upon L. N क्या है? Number of turns, coil के number of turns time के साथ change नहीं होते हैं, dt के respect में ये constant. Mu क्या है? Path का permeability, वो भी constant, path change नहीं होता. Area of cross section coil का, वो भी बनने के बाद change नहीं होगा, constant. L क्या? Length of path, constant. N, mu, A और L टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, कांस्टेंट है, तो आप चाहें तो इनको डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हैं। E will be equal to N square mu A upon L di by dt. अब ये सब का सब वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन कॉइल कंस्ट्रक्शन, इसी को आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्स जी इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, नाउ ई कैन बी रिटन एज एल डी आई बाई डी टी, जहां पे L का वैल्यू क्या है, N स्क्वायर म्यू A अपॉन L, या फिर L को आप N स्क्वायर बाई S भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोग, सब लोग से मैं एक चीज मैं थोड़ा अपील करूंगा, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है, आपको भी अपना थोड़ा सेल्फिश की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे अब मैं डेफिनेटली जानता हूँ कुछ लोगों का मिस हुआ होगा पूरा रिकॉर्ड करने में, नोट नहीं कर पाए, तो आप मुझे ओपनली बताइए कि मिस हुआ है तो कहाँ पे स्क्रॉल करना है, या किसी मिस हुआ है क्या, क्या नोट कर लिया सबने? सर L क्या है बोला था सर? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्मॉल L सर, हाँ स्मॉल L, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर डिफाइंड नहीं है तो एवरेज वैल्यू लेते हैं उसकी। चले आगे तो, जी नहीं बस कहाँ पे आपका नोट करना है बताइए, इसी में
ठीक है ठीक कर लीजिए सर जी। तो ये करंट जो करंट कंडक्टर जो है ना सर इसका थोड़ा सा जैसे जिस में बता दे एक से अधिक माइक ऑन है हाँ अब ठीके तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन जो कैसा के ऊपर तरफ ले रहा था वो एक बार हल्का से बता दीजिए तो किसका डायरेक्शन फ्लक्स का डायरेक्शन हाँ ऊपर तरफ में कैसा हो रहा है जो कॉइल होता है ना वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे तो एक साइड ये नॉर्थ पोल होता है एक साइड साउथ पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है साउथ से वापस आता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम ऐसा ही डायरेक्शन आपको कॉइल में भी मिलता है आप डिपेंडिंग ऑन करंट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन के साथ में कैसा रिलेशन था वो जो भूल गया था वो नहीं नहीं वो करंट का देखिए यहाँ से जहाँ पे भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे बनेगा अब देखिए ये इसको टू डायमेंशन में दिखाना उतना इजी नहीं है कॉइल को आप ऐसे भी बना सकते हैं कॉइल को आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर ये पूरा केवल एक लाइन में मिटा दूं यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड अरे पूरा ही मिट गया वो रैंडमली पहचानना बहुत मुश्किल होता है सेंस ऑफ फाइंडिंग क्या है क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज जहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ फाइंडिंग होगी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा आप इस डायग्राम को देख के नहीं रह सकते मैंने अज्यूम किया है नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे ओके 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 ठीक है करंट और ये फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ नियम था ना याद नहीं है सर इसलिए बोल रहा वो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आप सर जी हेलो जी सर जी बताइए सर थंब रूल थंब रूल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं जाना चाहता मैं अभी थंब रूल स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे कंडीशंस हैं वो एक लाइन में बताने का मतलब नहीं है तो सर इससे भी डायरेक्शन पता नहीं कर सकता है कि थंब रूल से नहीं पता चलेगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है ये कॉइल है देखिए यहाँ पे आ गए हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या देखिए मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत सारा टॉपिक है वो सारे टॉपिक हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे अगर मैं फिर उसको यहाँ भी पढ़ाऊंगा फिर वहाँ फिर से पढ़ाना पड़ेगा और डिटेल में तो फायदा नहीं है आप जितना जरूरत है उतना ही यूज करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर में वैसे जनरली ये सब भी कोई ट्रांसफार्मर में बताता नहीं है लेकिन मुझे जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इन सब चीज की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आपको मशीन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे मोस्ट ऑफ द केस में लोग गलत करके आते हैं उसको A coil with 100 turns. Coil with 100 turns has self inductance of 2 Henry. How many more turns should be added to it to make it a coil of 4 Henry? Self, कितने turns आप और add कर दें
कि वो जो कॉयल है वो 2 हेनरी से 4 हेनरी का हो जाए। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, म्यूट कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट में जब तक आप इसका आंसर निकालिए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज 141, सेकेंड ऑप्शन इज 142, थर्ड ऑप्शन इज 41, फोर्थ ऑप्शन इज 42। म्यूट हो गया सर अब। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ये आप लोग का बार बार एग्जिट खुद से हो जाता है क्या? ऑटोमेटिक। हाँ सर, कभी कभी नेट स्लो होने से कुछ एग्जिट हो जाता है। देखिये अभी देख, अब जो ऑफलाइन क्लासेस है ना, उनका कंडक्शन तो पॉसिबल नहीं है अक्टूबर नवंबर तक। थर्ड इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन स्टार्ट होने की वजह से हमको नहीं लगता है वैक्सीन लगने के बाद भी गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस को अलाउ करेगा स्कूलिंग को। तो थोड़ा सा अपना नेट का कनेक्शन इम्प्रूव कर लीजिए। अगर बाहर में है तो ये जियो का वर्क फ्रॉम होम रिचार्ज करने से भी नेट थोड़ा सा सही हो जाता है, या आपको अपने घर में जियो फाइबर वगैरह लगाना ही पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं ना, मेरे पास कॉइल है, कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, सपोज L1 इज 2 हेनरी, L की वैल्यू कितनी होती है, N1 स्क्वायर YS। कॉइल का मीडियम तो चेंज हम कर नहीं रहे हैं, केवल उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरा L2 का वैल्यू हमको पता करना है, कब, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो गया। N1 का वैल्यू दिया हुआ है, जब कॉइल का वैल्यू 2 हेनरी है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100। हम देखें तो यहां से एक रिलेशन मिल रहा है आपको, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दीजिए मिलेगा L1 अपॉन L2 इज N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर मिल रहा है ना। L1 कितना है 2 हेनरी, L2 कितना है 4 हेनरी, N1 कितना है 100, N2 कितना है नहीं पता, पूछा है उससे, यहाँ पर स्क्वायर, दिस इज 1/2। आप लिख सकते हैं N2 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा N2 अपॉन 100 इज अंडर रूट 2, that is equal to 1.414। आप इसको राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 कितना मिलेगा, न्यू नंबर ऑफ टर्न्स इज 141.4। आपके पास में N1 मतलब जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स थे 100 पहले से थे, और आपसे पूछा था कि कितने और टर्न लगा दें कि कॉइल का इंडक्टेंस 4 हेनरी हो जाए, तो कितने और टर्न लगाने पे इसका वैल्यू 41.4 आएगा, 141.4। तो नंबर ऑफ मोर टर्न्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 41.4, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। समझ पा रहे हैं आप सर? ऑप्शन सी है ना, 41। राउंड ऑफ कर दिया आपने उसको?
अगर आपने राउंड ऑफ किया, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. आपके एक सपोज करिए एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, कुछ वर्कर एक जैसे वर्कर हैं सारे. एक आदमी मैक्सिमम 15 केजी का वेट उठा या 10 केजी का वेट उठा सकते, सपोज करिए एक एग्जांपल के लिए. एक आदमी की कैपेसिटी है या आदमियों की कैपेसिटी है कि एक आदमी 10 किलो वेट उठा सकता है, तो 12 केजी का वेट उठाने के लिए कितने आदमी लगेंगे? सर, एक्सक्यूज मी सर, जी सर, तो ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन में. ओके, ठीक है. मेरा क्वेश्चन देखिएगा, सोचिएगा क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना. एक आदमी की कैपेसिटी है कि वो 10 किलोग्राम का वेट उठा सकता है, तो अगर आपके पास 12 किलोग्राम का वेट है तो उसको उठाने के लिए कितने आदमी चाहिए? दो बार में उठाएगा सर. दो आदमी चाहिए कि नहीं? दो आदमी उठाएगा. 1.2 आदमी से काम नहीं चलेगा, दो बार में उठाएगा ना, एक ही वेट है ना, एक ही बॉक्स है, 12 केजी का है, ब्रेक नहीं कर सकते, उसको खराब हो जाएगा. मैं दो लोग मेरा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मेरा आंसर 1.2 आ रहा है. मुझे 1.2 आदमी चाहिए, आप मुझे दे सकते हैं? नहीं सर. क्या प्रॉब्लम है 1.2 ह्यूमन बीइंग में? आदमी प्रेक्षण तो हो सकता नहीं है सर. हाँ देखिए, 10 केजी के ऊपर अगर आप 100 ग्राम भी बढ़ाते हैं तो आपको दूसरा आदमी चाहिए. ठीक, ये थोड़ा मैथमेटिक्स में टर्नओवर होता है, इसको आप काउंटिंग बोलते हैं ना. जहां पे भी काउंटिंग होती है, जैसे पूछा था नंबर ऑफ एप्पल, तो आपने एक एप्पल पूरा रखा, एक एप्पल आधा कर दिया, तो अब जब आप पूछेंगे नंबर ऑफ एप्पल तो आप 1.5 नहीं बोल सकते, वो दो एप्पल हैं. नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग 2, नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ बुक, जहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है नंबर ऑफ, तो वहां उसका आंसर डेसिमल में नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. ठीक. और दूसरा, जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में कंप्लीट होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग या कोई भी नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में जब लिखना होगा ना, तो अगर वैल्यू क्रॉस हो जाती है, जैसे 1.1 है तो उसको आप 2 लिखेंगे. जैसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मेरा आंसर 1.2 ह्यूमन बीइंग आ रहा था, राउंड ऑफ करके उसको 1 किया जा सकता है, लेकिन आप एक आदमी लेके आएंगे और आपका काम नहीं होगा, इसलिए वहां पे दो आदमी. 41 के बाद अगर टर्न क्रॉस होता है तो यहाँ राउंड ऑफ करने वाला मैथमेटिक्स मत लगा दीजिएगा. 41.4 इज नथिंग बट 42. आंसर आपका 42 है. इवन बता दूं मैं आपको, अगर 41.4 ऑप्शन में है ना तो भी 42 आंसर है, आप 41.4 पर टिक नहीं कर सकते. सर 41.5 होने से तब 42 नहीं करते क्या? नहीं, पॉइंट का हिसाब किताब ही नहीं होता है ना, जब नेचुरल नंबर में काउंटिंग होती है, जहां पे आप नंबर वर्ड को यूज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो अब इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. 41.4 और none of this, none of this में मार के आएगा सर. 42 अगर नहीं है तो 41 पे टिक करेंगे ना, closest answer पे टिक. None of these में? None of these, जैसे questions repeat होते हैं ना, तो आज तक आया नहीं है इसमें none of these. आने से भी है, आप जो टिक 42 पे करना है, 42 नहीं है तो 41 पे करना है, 41 नहीं है तो 41.4 पे टिक करना है. अगर ये तीनों नहीं है तो फिर none of these पे कर दीजिएगा. जी, इसका वैल्यू वेरी नहीं होगा सर, नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस में पाथ कहां से चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड का पाथ तो वही रहेगा. लेंथ ऑफ कॉइल चेंज नहीं हो रही है अनलेस इट इज प्रोवाइडेड, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है.
आगे चले सर, थोड़ा सा रोक दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ही सर जी। टर्न्स बढ़ाने से क्या बाद में कॉइल का, या तो हम लोग को उसमें थिकनेस में ए में वेरी करना पड़ेगा फिर तो, टर्न्स बढ़ने में तो थिकनेस पड़ती है तो उसमें तो एस फिर वेरी करेगा, नहीं वेरी करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स है ना 100, फ्लक्स का पाथ कैसा है, फ्लक्स के पाथ पे ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें फर्दर और टर्न ऐड करते हैं, 40 टर्न और ऐड कर दिए मैंने, फ्लक्स के पाथ अभी भी कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा इधर से आएगा, इधर से आएगा। मेन पाथ तो ये है ना जो बाहर है, ये तो नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में जो बाकी का पाथ है। फ्लक्स के पाथ में चेंज नहीं होता है अनलेस इट इज प्रोवाइडेड। सर और इसमें आई और एस को कांस्टेंट क्यों ले लिया सर, आई और एस को कांस्टेंट क्यों ले लिया सर, एल की वैल्यू में आई कहाँ होता है, एल इज एन स्क्वायर बाय एस, वही तो मैंने कहा ना प्लस का पाथ चेंज हो रहा तो प्लस का रिलेक्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा, मीडियम तो वही है ना, जिस मीडियम में फ्लक्स पहले प्रोड्यूस हो रहा है उसी मीडियम में फ्लक्स बाद में भी प्रोड्यूस हो रहा है। एस किसे कांस्टेंट है, एस रिलक्टेंस होता है ना जी सर, किसका रिलक्टेंस, मीडियम का जी सर, मीडियम चेंज हो रहा है क्या, मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है, एस कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मर पे आ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और होता है कोर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रांसफॉर्मर का कोर, आयरन कोर। ये आपने किया प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग किया 100 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। फ्लक्स का पाथ देखिए, फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहां से वापस आता है, ठीक। अब मैंने बोला कि इसका इंडक्टेंस 200 था, 400 करना है ना, तो आप इसको यहां पे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ठीक। अभी भी फ्लक्स का पाथ वही है, लेंथ वही है, एरिया वही है, सब कुछ वही है, एस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है सर, ठीक है। आगे चले, यस सर। सेकेंड वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, जब अपना खुद का फ्लक्स कट करता है कॉइल को और उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है तो सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल क्या होगा, जब किसी दूसरे कॉइल का फ्लक्स किसी कॉइल को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसको हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। अब बात यह आती कि हमारे पास एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, ये दिस इज एल वन दिस इज एल टू, इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल को कट क्यों करेगा भाई, अब हमने करंट फ्लो कराई फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स ऐसा वो क्या गया, इसको कट नहीं किया, तो
किसी भी दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी होता है जब उनके फ्लक्स को ऑटोमेटिकली किसी तरह से लिंक कराया जाए कि ये फ्लक्स प्रोड्यूस होते ही दूसरे कॉइल को कट करने चला जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक आयरन का कोर लिया, आपको पता आयरन का रिलक्टेंस एयर से बहुत कम होता है, दिस इज आयरन कोर। यहां पे हमने इंस्टॉल की प्राइमरी वाइंडिंग, कोई वाइंडिंग, ठीक। इसको हमने करंट दिया आई वन, इसका नंबर ऑफ टर्न्स एन वन। जैसे इस कॉइल को करंट देंगे, कॉइल से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब फ्लक्स के पास दो रास्ते, या तो एयर में जाए या फिर आयरन के थ्रू पास करे। अब क्योंकि आयरन का रिलक्टेंस बहुत कम होता है, जैसे करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, फ्लक्स हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा फ्लक्स इस पाथ से वापस आता है, ठीक। अगर हम यहां पे दूसरा कॉइल रख देते हैं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स एन टू है, तो ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो इस कॉइल को कट करेगा, इस कॉइल को कट करेगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा ई टू। ठीक, अब दूसरे के फ्लक्स से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ना यहाँ पे देखिए फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, वो फर्स्ट कॉइल से प्रोड्यूस हुआ है, तो फ्लक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन वन आई अपॉन एस। आई ले लीजिए, जनरल करंट है हमारी आई, तो फ्लक्स इज एन वन आई अपॉन एस डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक सर्किट। ये फ्लक्स की वैल्यू मिली आपको, एंड ऑल्सो ई टू या इंड्यूस्ड ईएमएफ इंस्टेंट लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, E2 will be equal to N2 d phi by dt। This is question number one, question number two। phi की वैल्यू 1 से 2 में पुट कर लीजिए। From 1 and 2 we can write that E2 is equal to N2 d by dt of phi। phi is एन वन आई अपॉन एस, ठीक। अगेन एन वन कॉन्स्टेंट, एस कॉन्स्टेंट, तो ई टू इज इक्वल टू एन वन एन टू अपॉन एस डी आई बाई डी टी। अगेन दिस इज अ कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Known as coefficient of mutual induction or mutual inductance. Therefore, E can be written as M di by dt, where M is mutual inductance and M is equal to N1 and N2 upon S. सर थोड़ा ऊपर ले लीजिए जी। कपल सर्किट में से ज्यादा हम लोग फील्ड थ्योरी में ही देखेंगे, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। बस बस नीचे ले दीजिए। एक मिनट।
डायग्राम एक मिनट रुकिए हेलो आप में से कोई कुछ बोल रहा था क्या हेलो सुन पा रहे हैं आप लोग जी सर यस सर नोट कर लिया ना आप देखिए डायग्राम मैंने बनाया म्यूचुअल इंडक्शन का और ये क्या है ये ट्रांसफार्मर ही ना है थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर अगर आप पहले पढ़े होंगे दिस इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी दूसरे वाइंडिंग पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल गई आपको और पावर जो ट्रांसफर हुआ है वो थ्रू मैग्नेटिक फील्ड हुआ है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में नहीं है दिस इज नथिंग बट वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ओनली ठीक तो इतना इंट्रोडक्शन देखने के बाद इसके डिटेल में कपल सर्किट हम लोग नहीं जा रहे हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में वापस आते हैं अब हम लोग देखेंगे बेसिक ऑपरेशन एंड इक्विवेलेंट सर्किट of transformer. Basic operation and equivalent circuit of transformer. ये क्लास आपकी कल होगी आज के लिए इतना काफी है आपको ये जो आज की क्लास का पीडीएफ अभी मिल जाएगा और जो लेक्चर है वो कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा सर आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताइए जी नंबर ऑफ मोर टर्न्स रिक्वायर्ड 41.4 कैसे हो सर आपको क्या बोला था नंबर ऑफ इनिशियल टर्न्स कितने 100 फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स मिला आपको 141.4 यस एंट्रोपी की वैल्यू 141.4 क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स हैं और उसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है कितने और टर्न हाउ मेनी मोर टर्न्स शुड बी एडेड टू इट टू मेक इट अ कॉइल ऑफ 4 हेनरी तो 100 पहले से थे कितने और इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि 141.4 हो जाए क्लियर है 100 पहले से था और अभी जो मिला हमको 141.4 जी जी उसके बाद डिफरेंस कितना दोनों में okay, पहले okay. पहले कॉइल में 100 नंबर ऑफ टर्न्स थे yes. अभी कॉइल में 141.4 टर्न्स हैं कितने और टर्न वहां पे इंस्टॉल किए गए 41.4 जी मोर टर्न्स रिक्वायर्ड इज 41.4 एंड व्हिच हैज टू बी नेचुरल नंबर सो काउंटिंग के लिए 141 से ऊपर काउंटिंग बढ़ते ही मतलब वो 40 सेकंड काउंट हो गया हैज टू बी 42 नंबर ऑफ ओके और कोई डाउट है क्या ठीक है तो आज की क्लास को ओवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे
सर जी, सर ऐप से वीडियो को डाउनलोड कर सकता है ना? उसमें देखना है, डाउनलोड नहीं होगा वो, वह उसी में देखना पड़ेगा। हाँ वीडियो उसमें ही देखना पड़ेगा आपको। ओके फास्ट फास्ट फॉरवर्ड का सर ऑप्शन नहीं है ना इसमें? है फॉरवर्ड का ऑप्शन, है फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, टू टाइम्स फोर टाइम्स ऐसे नहीं कर सकते आप उसको। जी जी वही वही, लेकिन फॉरवर्ड कर सकते हैं आप जितना चाहें। ठीक, आप स्क्रीन को आप थोड़ा सा स्लाइड करिए ना कर्सर को, वो फॉरवर्ड होगा। ओके हेलो सर जी, अच्छा ये 3 तारीख का सर वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो सर नहीं डाला है क्या ना सर, दिया परसों का? 3 तारीख का कौन सा लेक्चर था? सेकंड लास्ट लेक्चर जी जी जी, क्या परसों का सर? परसों का क्लास में लेक्चर पढ़ा तो है, एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा है क्या? एप्लीकेशन पे एक ही लेक्चर ही है, वो परसों का ही लेक्चर। ओ नहीं नहीं, एप्लीकेशन में सर नहीं, कल का लेक्चर नहीं है सर, वो तो कल का है ना सर। कल क्लास हुआ ही नहीं है, कल संडे था ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ वही में सर एक ही दिखाई दे।